What is learning? Learning means change. Learning requires change. Change in my knowledge, change in my skills, change in my behavior, change in my personality, change in my nature, change in my attitude. All this is learning. If I am not prepared to change, there is no learning. Learning requires change. And therefore, when we talk about learning, we also talk about ability of the person to change, flexibility, ability to adapt, ability to understand the situation. Learning kya hai? Seekhna hai. Seekhne ka matlab parivartan karna. Apne aap mein parivartan, apne mein badlav. Jo hum banna chahte hain, jo hamara adarsh swarup hai, वहाँ पहुँचने की यात्रा बड़ी लंबी है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो एक मौका लर्निंग है, जिससे हम अपने आप को बदल सकें, अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकें। लर्निंग कर्व क्या है? व्हाट इज लर्निंग कर्व? जब हम सीखते हैं तो सीखने की प्रोसेस यूँ बढ़ती है, हर दिन सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसके बाद फिर सीखने की रफ्तार कम हो जाती है, उसके बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, हमको लगता है हम बहुत सीख गए, गलत फहमियाँ हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, हमारा रुझान कम हो जाता है, सीखने की ललक कम हो जाती है, इच्छा शक्ति कम हो जाती है। लर्निंग का सीधा संबंध है हमारी ललक पर, इच्छा शक्ति पर, हम कितना सीखना चाहते हैं, हमारा इनर मोटिवेशन कितना है। एकलव्य को देखो, उसकी सीखने की क्षमता कितनी थी, सीखने की ललक कितनी ज़्यादा थी। गुरु नहीं मिले तो गुरु की एक मूर्ति बनाई और उसी से सीखना शुरू कर दिया। तो लर्निंग में इस बात का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आपके अंदर सीखने की उत्कंठा कितनी है। शुरू में उत्कंठा कम होती है तो कम सीख पाते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं आनंद आता है, एहसास होता है कि सीखने से हमारी तरक्की होगी, हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, हमें एक ऊंची उड़ान मिलेगी, हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, हम सीखते जाते हैं, फिर सीखने की क्षमता बढ़ती है, हम ज़्यादा सीखते हैं, ललक बढ़ती है, ज़्यादा सीखना चाहते हैं और, लेकिन एक समय फिर प्लेटियो, हम सीखना बंद कर देते हैं और फिर सीखने की जगह हम गंवाना शुरू कर देते हैं, हमारा ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि या तो आप सीख के ऊपर जाएंगे या आपका ग्राफ नीचे आएगा, दोनों में से एक ही संभव है। पहले हमने कम सीखा, फिर ज़्यादा सीखा और फिर सीखना बंद कर दिया और फिर ग्राफ नीचे आने लग गया। अब यहाँ कोई हमें झकझोर दे, कोई हमें हिला दे, कोई हमारे अंदर की लर्निंग की अभीप्सा को जगा दे, कोई हमें मोटिवेट कर दे कि सीखो सीखो, अपने आप को डेवलप करो, तो हम फिर से सीखने लग जाएंगे। तो ये जो लर्निंग कर्व है, ये यहाँ गिरा और फिर वापस ऊपर बढ़ने लग जाएगा। जिस दिन हमें एहसास होगा कि हमें खूब पढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो ये लर्निंग कर्व फिर वापस गिर करके संभल लेगा और ऊपर बढ़ने लग जाएगा, तब तक जब तक हमारे अंदर सीखने की उत्कंठा बनी रहेगी। सीखने की उत्कंठा एक उम्र तक तो बड़ी रहती है, बाद में आपके ऊपर है। कई लोग बड़ी उम्र के बावजूद सीखने की बहुत प्रबल इच्छा शक्ति रखते हैं, कई लोग जैसे जैसे उम्र बीतती है सीखने की क्षमता कम होती जाती है, क्षमता कम नहीं होती, अभीप्सा कम हो जाती है सीखने की इच्छा शक्ति। आप बड़ी उम्र में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उस सीखने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, लर्निंग तीन चार तरह की चीज़ों की है, टेक्निकल स्किल की, कॉन्सेप्चुअल स्किल की, ह्यूमन स्किल की, फिजिकल स्किल्स की। फिजिकल स्किल्स हम एक उम्र के बाद नहीं सीख सकते, बचपन में ही सीख सकते हैं, जवानी में सीख सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं सीख सकते। बुढ़ापे में कोई हमें कहे आइए बॉक्सिंग सीखिए, बुढ़ापे में कोई बोले आइए आप वेट लिफ्टिंग सीखिए, बुढ़ापे में कोई कहे आइए आप लंबी कूद सीखिए, जिमनास्टिक सीखिए,
ये संभव नहीं हो पाता, मुश्किल काम है, क्योंकि ये फिज़िकल स्किल। लेकिन जब अपन ह्यूमन स्किल्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बात करते हैं, ये आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, लगातार सीखते रह सकते हैं। और बुढ़ापे में तो आप ज़्यादा समझ, आपकी समझ परिपक्व होती है, बस फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ, बस यही कमज़ोरी है। अगर ये कमज़ोरी ना हो तो व्यक्ति सीखता जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेक्निकल स्किल भी आप बचपन में और जवानी में सीख सकते, बाद में नहीं सीख सकते। लेकिन ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये आप बचपन में नहीं सीख सकते, ये आप जवानी और बुढ़ापे में ही सीख सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी समझना, रिलेशनशिप को समझना, इंटर प्ले ऑफ वेरियस वेरिएबल्स, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ज़माने भर का अनुभव हमें इस लायक बनाता है कि हम समझ सकें कि कहाँ पे क्या कारण जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट विद इन लर्निंग देर आर मैनी आस्पेक्ट्स एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड एज ह्यूमन बींग्स वी कैन कंटिन्यू लर्न, कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट आवर लाइफ। लोग 80 साल की उम्र में भी सीखते हुए नजर आ जाएंगे। सीखना अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबसे आसान तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज, बट द रियल थिंग इज इफ द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, दे नो वाई दिस ट्रेनिंग इज यूजफुल, दे विल लर्न इट फास्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। In some culture, you are oriented to become a good trainee. In some culture, people will tell you what's there. It's a formality. Ignore it. So it has an impact. If you are in a culture where people value training, development, they will pay attention to it, they will respect it, and that will help the organization. Success of the organization depends on highly motivated, highly trained, and skilled employees.